वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो द पंजाब लाइव। किसे जंगल दे विच एक गां चर रही सी, अचानक ही उत्थे एक शेर आ गया। शेर नू वेख के गां जान बचाउण लई भज्जण लगी। गां नू भज्जदे होए शेर ने वेख लिया। शेर भी भुखा सी, ओह भी गां दे पिछे भज्जण लगा। हुण गां पूरी ताकत नाल भज रही सी। अचानक ही गां नू एक कुटिया नजर आई। ओह जल्दी उस दे विच वड़ गई। कुटिया दे विच देखते ने कि एक संत जी नाम जप रहे सी। जदों गां अंदर आई तां संत जी ने वेख्या कि गां बहुत डरी सी। ओह संत जी ने पुछया, तू इस तरह क्यों डर रही है? गां बोली, महाराज शेर मेरा पीछा कर रहा है, वह मैनू खा जाएगा, कृपा करके मेरी जान बचाओ। संत जी नू गां पर तरस आ गया। उन्हें कहा, ठीक है, तू मेरी जड़ी कुटी है झोंपड़ी है, इहदे पिछे लुक जा। गां ने उवें कीता। उसके नाल ही शेर उत्थे आ गया। शेर ने कहा, हे संत जी, मैं एक गां का पीछा कर रहा सी, अते ओ भजदी भजदी तुहाडी जो कुटिया वाल आई है, कृपा करके दसो कि ओ कित्थे आ। मैं तुसी दस दो भी जे तुसी वेख्या उहनूं तां। ओ जो संत जी ओ दुविधा विच पै गए, क्योंकि जे ओ सच बोल देंदे तां ओ गां ने मारिया जाणा सी, पर जे ओ झूठ बोल देंदे तां उहनां नूं पाप लगना सी। कुछ देर बाद ओ सोचन तो बाद संत जी ने कहा, कहिंदे, सिंह राज, गल ए है, गां नूं मेरियां अखां ने वेख्या पर ये बोल नहीं सकदियां। मेरी जुबान बोल सकती है पर इसने गानू नहीं वेख्या, सो माफ करना, मैं तुहाडे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये सुन के शेर संत की गल का भाव समझ गया ते उत्थों चला गया। सार संगत जी, सानू हमेशा ही सच बोलना चाहिए, पर कई बार साडा सच किसी की जिंदगी नू खतरे विच पा सकदा। जदों कभी अजे हालात हो जान कि साडे सच नाल किसी का नुकसान हो रहा होवे, तां उस समय सानू विवेक नाल काम लेना चाहिए। शुकरांत ना यूनान दे एक बहुत ही महान जोशी विद्वान सी। ओ यूनान दे विच उन्हां दा अज भी बड़ा ज़्यादा आदर ते सत्कार नाल नाम लिया जांदा है। पर शुकरांत शरीर रूप तो सुंदर नहीं सी, उन्हां दा चेहरा बहुत ही कुरूप सी। एक दिन शुकरांत शीशा वेख रहे सन। उस समय उन्हां दा जो सेवक कमरे अंदर आया, उसने शुकरांत नूं शीशा वेखते हुए वेख लिया। शुकरांत ने शीशा वेखते हुए वेख के सेवक नूं बहुत हैरानी हुई। शुकरांत की नज़र अचानक ही उस सेवक उपर चली गई। सुकरांत ने सेवक नूं पुछया, तैनू हैरानी हो रही है कि मैं शीशा वेख रहा? सेवक अजीब जी दुविधा विच फस गया अते कहा, नहीं गुरदेव, अजी कोई गल नहीं है। सुकरांत ने कहा, बेटा मैं जानता तू यही सोच रहा कि मैं बहुत करूप हाँ, फिर मैं शीशा क्यों वेख रहा? सुकरांत ने बोलना जारी रखते हुए कहा, चल जे तेरे दिमाग विच ये सवाल आ ही गया ना, तो मैं तेनू दस दिंदा। जदों भी मैं शीशा वेखदा तो यह शीशा मैनू दस दिंदा कि मैं एक बदसूरत अते करूप इंसान हाँ, इसलिए मैनू हमेशा ही चंगे काम करने चाहिए ने, ता जो मेरे चंगे काम मेरी कुरूपता नू ढक लैन। शुकरांत की यह गल सुन के सेवक ने कहा, गुरदेव फिर तो सुंदर व्यक्तियों शीशा ही नहीं वेखना चाहिए। सुकरांत ने कहा, नहीं पुत्र, उन्होंने भी शीशा वेखना चाहिए, क्योंकि शीशा वेख के उन्होंने पता लगता है कि उन्होंने कोल बहुत ही सुंदर शरीर है अते उन्होंने माड़े काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि माड़े काम उन्होंने शरीरिक सुंदरता से दाग लगा सकते हैं, इसलिए उन्होंने शीशा वेखना चाहिए। संगत जी, ये घटना सानू दसती है कि इंसान दे गुण ही उसकी असली सुंदरता होंदे ने। जीवन विच कित्ते चंगे कर्म चंगे व्यवहार का ही मुल पैंदा। एक बार एक बादशाह अपने वजीर दे काम तो बहुत खुश सी। उन्हें खुशी खुशी अपने वजीर नूं कहा, मैं तेनू कुछ देना चाहना, दस तेरी सब तो वड्डी इच्छा की है? राजे की गल सुन के वजीर ने शर्माते हुए अपना मुँह हेठा कर लिया। राजे ने हंसते हुए फिर क्या, डरना, खुल के दस, तेरी इच्छा हर हाल विच पूरी की जाएगी। राजे दे बार बार कहन तो बाद वजीर अपने गोड्यां भार पै गया। राजे नूं बेनती करते हुए बोलिया, हजूर तुसी दुनिया की किन्नी सोहनी ते वड्डी सल्तनत ते मालिक हो, जदों मैं तुहाडी इस लामिलाल सल्तनत नूं देखना ना, तो मेरे मन में हर एक इच्छा पैदा उठती है कि मैं इसते दसवें हिस्से का मालिक हुंदा, तो मैं दुनिया का सब तो खुशकिस्मत इंसान हुंदा। वजीर की गल सुन के राजे ने कहा, जे मैं तेनू अपनी वजारत का अद्धा हिस्सा दे दवा, फिर तू खुश हो जाएगा? ये किवें हो सकता, मैं इन्ना खुशकिस्मत किवें हो सकता? वजीर ने खुश होंदे कहा। राजे ने तुरंत एक सिपाही नूं बुलाया ते दो फरमान लिखण का हुक्म दिता।
पहले फरमान विच राजे ने अपना अद्धा राज जो सी ओ वजीर दे नां कर दिता। दूजे फरमान विच वजीर दा सिर कलम करन दा हुकम दिता। ए सुन के वजीर हैरान हो गया। हुण राजे ने वजीर वल देखते हुए कहा, तेरे कोल 30 दिन दा समय, जे तू 30 दिन विच मेरे 3 सवालां दे जवाब दे दिते ते मेरा दूजा हुक्म जो है ओ रद्द हो जावेगा ते मेरा अद्धा राज तेरा हो जावेगा। पर जे 30 दिनां विच तू मेरे सवालां दे जवाब देन विच नाकाम रहा ता मेरा पहला हुक्म रद्द हो जाएगा, तेरा सिर फिर कलम कर दिता जाएगा। हुण वजीर दी हैरानी ते परेशानी विच बदल गई। पहला हैरान सी भी इन्ना कुछ मिल रहा है, हुण ओही परेशानी बन गई सी। राजे ने अगे कहा, मेरा पहला सवाल ए है कि इंसान दी जिंदगी विच सब तो वड्डी सच्चाई की है। दूजा सवाल, इंसान दी जिंदगी दा सब तो वड्डा धोखा की है। तीजा सवाल, इंसान दी जिंदगी दी सब तो वड्डी कमजोरी की है। राजे ने एक कह के नगाड़े दी चोट मारी ते कहा, हुण तो तेरा समा जो है वो शुरू हुंदा है। वजीर ए सुन के दरबार तो चला गया। उसे शाम उन्हें राज दे सारे सियाने ते समझदार सज्जन सद ले। राजे दे सवाल उन्हें अगे रखे। सारी रात विचार चर्चा चौसी चलती रही, पर ओदे पहले सवाल का जवाब भी ना दे सके। आपस विच यही बहस करते रहे। वजीर ने दूजे दिन होर भी ज्यादा लोग सद ले, पर रिजल्ट ओ ही रहा। हुण वजीर दी चिंता वध गई। ए सवाल लैके ओह पूरे राज विच घूम रहा सी। कई दिन बीत गए, पर किसी कोल उन्हां सवालां दे तसल्ली बख्श जवाब ना मिले। ओह पिंड पिंड शहर शहर गया, शाही लिबास फट गया, पैरां विच छाले पै गए, हालो बेहाल हो गया। शर्त तां आखरी दिन दा आ गया, पर अजे भी ओहदे हथ खाली सन। हुण उन्हें महसूस होया कि यह उहदी जिंदगी दा आखरी दिन सी, क्योंकि कल उसने राज दे जो सी अपने जाना सी, राजे दे सामने उत्थे पेश होना सी, उस कोल किसी भी सवाल दा जवाब नहीं सी। वजीर हताश ते निराश सी। चलदे चलदे वह एक पिंड विच पहुँच गया। उसके बुल प्यास ते डर नाल सुक रहे सन। पिंड दे एक पासे उन्हूं एक जो सी झोंपड़ी नज़र आई। पानी मिलन की उम्मीद नाल वह झोंपड़ी के अंदर चला गया। अंदर जाके उसने वेख्या कि एक फकीर सुक्की रोटी पानी विच भिओं के खा रहा सी। उसके कोल एक ही भांडा सी, उहदे विच दुध पिया होया सी, जिसनूं कुत्ता पी रहा सी। फकीर ने वजीर की हालत वेखी ते उच्ची उच्ची हसया, मगरों कहा, वजीर साहब तुसी बिल्कुल सही जगह ते आए हो। आओ तुहाडे सवालों के जवाब इत्थे मिलने ने। तुसी मेरे बारे किवें जानदे हो, वजीर ने हैरानी नाल पुछया। फकीर ने अपना बिस्तरा चुकते हुए कहा, इधर वेखो तेनू सब समझ आ जाएगा। वजीर ने अगे चुके वेख्या तो उन्हें बिस्तर हेठ शाही जो कालीन नज़र आया। वजीर वाल देखते हुए फकीर ने कहा, किसी समय मैं भी इसे वजारत विच एक वजीर हुंदा सी। मैं भी तेरी तरह बादशाह नाल शर्त लगाउण दी गलती कर ली सी, नतीजा तू आप वेख लिया। ये कह के फकीर ने सुकी रोटी का एक टुकड़ा चुकया तो दोबारा पानी विच पा के खाण लग पिया। वजीर जो सी वह दुखी होंदे पुछया कि तुहानू ही सवालों के जवाब नहीं मिले सन। फकीर ने कहा, मेरा केस तेरे तो बिल्कुल वख सी। मैं सवालों के जवाब लभ के राजे नूं दस दिते सन, मैनू अद्धा राज भी मिल गया सी, पर मैं जो सल्तनत का करार फाड़ दिता ते राज राजे नूं दे के इस कुटिया विच आके बह गया। अज मैं ते मेरा कुत्ता आनंदमय जिंदगी गुजार रहे हैं। यह सुन के वजीर की हैरानी की कोई हद ना रही। फिर हैरान होने का वेला नहीं सी, बल्कि राजे के सवालों का जवाब पता करन की घड़ी सी। वजीर ने फरियादी बन के फकीर अगे अर्ज की कि मैनू सवालों का जवाब दे दो। फकीर ने कहा, हाँ। गर्दन हिलाते उन्हें हाँ किया। पहले दो सवालों के जवाब मैं तेनों मुफ्त विच देवांगा, पर तीजे सवाल लई तेनों कीमत देनी पवेगी। फकीर कोल शर्त मनन जो सी उस तो बिना होर कोई उहदे कोल चारा तो है नहीं सी। उन्हें भी उन्होंने मेरे फकीर दीआं शर्तां दा मैनूं मनणियां पैणगियां। उन्हें गर्दन हिला दित्ती। सवालों के जवाब दिंदे हुए फकीर ने कहा, पहले सवाल का जवाब है, दुनिया की सब तो वड्डी सच्चाई है मौत। दुनिया में कोई भी जो चीज़ है वह इसकी सच्ची जो सच्चाई को मनन तो इनकार नहीं कर सकता। एक ना एक दिन हर एक नूं इसका सामना करना ही पैंदा है। दूजे सवाल का जवाब है, दुनिया का सब तो वड्डा धोखा है जिंदगी। दुनिया में हर कोई जिंदगी नूं स्थाई समझ के इस दे धोखे विच आ जांदा है। फकीर के दोवें सवाल जो सन उन्हां दे जवाब जो मिले वह तसली वाले सन। इसलिए वजीर ने तीजे सवाल के जवाब लई शर्त पुछी। ये सुन के फकीर उच्ची उच्ची हसया ते कुत्ते दे अगे रखे भांडे नूं चुक लिया ते वजीर दे अगे रखते हुए बोलिया,
तीजे सवाल का जवाब लैण लई तैनू कुत्ते दा जूठा ए दुध पीना पवेगा। वजीर ने भांडे एक पासे रखते हुए कहा, मैं कदी एक जो है घिनौना काम नहीं करांगा। फकीर ने मोढ़े जो सिमटकाउंदे होए कहा, तेरी मर्जी, तेरे कोल दो ही राह ने, जां कल राजे कोल पेश हो ते अपना सर कलम करवा लै, या कुत्ते दा जूठा पी लै ते तैनू अद्धा राज मिल जाएगा, चोण हुण तेरी है। ये सुन के वजीर कुछ समय लिए शशोपंज विच पै गया, पर मगरों उन्हें प्याला चुकया ते इको सावि सारा दुध पी लिया। फकीर ने ठहाका लाउंदे चौसी हसन लगा, इंसान की सब तो वड्डी कमजोरी है गरज हुंदी है, जो इसनू कुत्ते या जूठा जो सी ना उहदा दुध पीण लई भी मजबूर कर देंदी है। यही वो सच है जिसनू मैं अद्धा राज छड के इस कुटिया विच रहन लई मैनू मजबूर कर दिता। मैं जान गया सी कि जिवें जिवें मैं जिंदगी दे धोखे विच आवांगा, मौत दी सच्चाई तो इनकारी हुंदा जावांगा, जिन्ना मैं मौत तो मूँह मोड़दा जावांगा उन्ना ही गरज दी दलदल विच धसदा जावांगा। इस गरज दे संसार विच हर रोज़ मैनू यही गलानी वाला दुध पीना पवेगा। लिहाजा मेरी सलाह है, जिंदगी दियां इन्हां तीन हकीकतां नू जान लै, तेरे जिंदगी चंगी तरह बीतेगी। वजीर चौसी वह भारी कदमां नाल महल वल चल पिया। वह ज्यों ज्यों महल वल वध रहा सी, तों तों उहदे गरज दे दुध दा जो अहसास वह वधदा जा रहा सी। उहनूं हर कदम वह जिल्लत दा अहसास वधदा जा रहा सी। वह महल पहुंचिया, राजे दे सारे सवालों के जवाब दिते, राज दा कोई भी हिस्सा ना लैके दूर चला गया, कुटिया विच रहन लग गया। इत्थों आपां नूं की जो है सिख मिलती है, इस तो आपां नूं यह अहसास कराउंदी है कि अज असी गरज दे संसार विच रह रहे हैं, जिथे अपनी धन दौलती पूर्ति हर सही या गलत वसीला अपनाउण तों नहीं झिझकते। साडी इह गरज वधदी जा रही है, गलानी वाला दुध पीण लई मजबूर कर रही है। यह साखी यह सिक्ख्या भी दिंदी है कि सानूं फकीर वांग अपनी लोड़ां नूं सीमित रखना चाहीदा, तां जो असी बेलोड़ दियां गरजां तों बच सकीए, एक सार्थक जिंदगी जी सकीए।